जियोटेक इंजीनियरिंग का आज का टॉपिक जो है हमारा वो है इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने सिलेबस में क्या किया अभी तक। बेसिकली तुम्हारे सिलेबस में चार यूनिट्स हैं। पहली है बेसिक कंसेप्ट, दूसरी है परमेबिलिटी एंड थर्ड है कॉम्पैक्शन, फोर्थ वन इज शेयर स्ट्रेंथ। दे आर फर्दर डिवाइडेड इन टू नंबर ऑफ पार्ट्स, पर ये फोर जो मेन यूनिट्स हैं उनके ये ही टॉपिक्स हैं। हम पहले टॉपिक पे हैं, वो है बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स में बेसिकली हमने बेसिक्स के बारे में पढ़ना है। और लास्ट टाइम जैसे कि हमने देखा था कि हमने ओरिजिन ऑफ सॉइल देख लिया था, आज हम करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है, आगे आके काफ़ी काम आएगा। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज से पहले हमें पता करना है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल की वो प्रॉपर्टीज है जैसे परमेबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, शेयर स्ट्रेंथ है, इनको बोलते हैं हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। अब ये होती क्या है? परमेबिलिटी होती है कि ये कैपेबिलिटी होती है हमारी सोयल की या अर्थ की कि कितनी स्पीड से पानी उसमें इंसर्ट हो जाता है या फिर पास कर जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं परमेबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होती है कि हमारी सोयल किसी लोड, न्यू लोड डाला हमने या बिल्डिंग बनाई या कोई भी टाइप का लोड हमने सोयल पे डाला तो उसके कारण हमारी जो सोयल है वो कितनी कंप्रेस करेगी, कितने दबाव में आएगी, उसको हम बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी। एंड थर्ड है शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ सबसे ज़रूरी पार्ट है यहाँ पर, क्योंकि ये इससे हमारी बेयरिंग कैपेसिटी निकलती है। सोयल की आपस में पकड़ कितनी है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो सोयल की आपस में पकड़ कितनी है, तो इस चीज को बोलते हैं शेयर स्ट्रेंथ। वेट, शेयर स्ट्रेंथ बेसिकली हमारी क्या होती है, किसी भी सोयल की आपस में स्ट्रेंथ कितनी है, पकड़ कितनी है। तो ये कहाँ पर हमारी होती है, ये हमारी स्लोप्स में ज्यादा पाई जाती है, जैसे पहाड़ियों में सोयल ने आपस में एक दूसरे को पकड़ा होता है और नीचे नहीं आने देते, या फिर आप कहीं भी हाईवे पे देख लो, स्लैंट हमने एक कर्व सी बनाई होती है, वहां पर भी सोयल की पकड़ ही होती है, या शेयर स्ट्रेंथ बोल लो, या फिर शेयर स्ट्रेंथ हमारी सोयल की नॉर्मली होती है जिसे हम बेरिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं, वो सब शेयर स्ट्रेंथ में आ जाती है। ये तीनों है हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। तो इनको अगर हमें फाइंड करना है तो इनको फाइंड करने के जो प्रोसीजर है वो बहुत ही इलेबोरेटेड है, मतलब काफी लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है। सपोज तुम फील्ड में गए, तुम करने लगे तो तुम्हें टाइम लगेगा। अगर तुम्हें इंस्टेंटली वही रिजल्ट्स चाहिए तो वो कैसे लेके आ सकते हैं हम, या फिर उनका क्या मेथड है, अप्रोक्सीमेट मेथड क्या है, तो उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर इंडेक्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले किसी भी टेस्ट टू डिटरमाइन द इंजीनियरिंग, जैसे कि बताया कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के जो टेस्ट हैं वो बहुत ही इलेबोरेटेड होते हैं, तो इनको परफॉर्म करने में काफ़ी टाइम लगता है, जो हम इंस्टेंटली नहीं बता सकते कि कितना वैल्यू है हमारी। तो उन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, या फिर बोल लो कि उनका रफ एस्टिमेट निकालने के लिए, हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को अप्रोक्सीमेटली लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज। मतलब इंडेक्स प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं टू फाइंड द रफ एस्टिमेट ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। सिंपल भाषा में इंडेक्स प्रॉपर्टी हमारी मदद करती है परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी या शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करने में, इजी वे में, या फिर कह लो रफ वे में, एक थंब रूल में। तो फिर कहते हैं कि सिंपल भाषा में इसकी जो होगी डेफिनेशन वो क्या है, दोज प्रॉपर्टीज विच आर नॉट प्राइमरी इंटरेस्ट टू जियोटेक इंजीनियर बट आर इंडिकेटिव फॉर देम आर कॉल्ड इंडेक्स प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज जो कि जियोटेक इंजीनियर के किसी काम की नहीं है, पर हाँ इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज इंडिकेट करती है हमें हमारी परमेबिलिटी के बारे में या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बारे में, उनको हम बोलते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो ये है इंडेक्स प्रॉपर्टीज। अब इंडेक्स प्रॉपर्टीज तो हमने समझ लिया कि है क्या, अब आगे चलते हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टीज बेसिकली, इंडेक्स प्रॉपर्टी जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज को एक कोर्स ग्रेन सोयल में, एक फाइन ग्रेन सोयल में। कहते हैं कि कोर्स ग्रेन सोयल कौन सी होती है जिसका साइज जो होता है वो काफी बड़ा होता है और हम आंखों से उसका साइज देख सकते हैं कि हाँ ये इतना साइज है, ये दिख रहा है, पार्टिकल्स दिखते हैं जब तुम्हें, उन सोयल को हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन। जब तुम्हें सोयल के पार्टिकल्स के साइज को, जैसे कि बहुत स्मॉल होगा तो तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, माइक्रो
स्कोप, माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब तुम किसी सोयल के पार्टिकल को देखोगे तो उनको बोलते हैं फाइन ग्रेन सोयल। बेसिकली जो फाइन ग्रेन सोयल होती है वो 75 माइक्रोन से कम होती है, 75 माइक्रोन से कम होगी, और जो 75 माइक्रोन से ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन सोयल। तो ये कंसेप्ट है बेसिकली। कहते कि जो तो 75 माइक्रोन से बड़ी होती है जो कि कोर्स ग्रेन सोयल है, उसको तो हम नॉर्मली छान के ही हम निकाल देते हैं कि ये कितने साइज की है, या फिर 75 माइक्रोन की एक सीव होती है हमारी, छाननी बोलते हैं जिसे, वो होती है हमारे पास, तो उसकी हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं या इसकी प्रॉपर्टीज या फिर इसको देख सकते हैं क्या चीज है। पर फाइन ग्रेन को इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि इतनी कम साइज की सीव हमारे पास होती नहीं है, तो इसके लिए कुछ अलग मेथड होते हैं, उन मेथड को बोलते हैं हम अटरबर्ग्स लिमिट, या फिर उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट भी बोलते हैं। अब कोर्स ग्रेन को फाइन करने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी। अब इन दो मेथड्स के बारे में हम पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अटरबर्ग्स लिमिट एंड कंसिस्टेंसी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो लेट अस स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहले हमें सोयल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही जरूरी है। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू IS 1498/1970 के अकॉर्डिंग हमारी सोयल को कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है। ये जो हमारे सामने ये चीज दिख रही है हमें, ये चार्ट इस तरह से कुछ डिवाइड किया गया है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए, किसके हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है कि कितने एमएम का साइज है, एमएम में हो सकता है, माइक्रोन में हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें ये चीज स्टडी करनी है। ये हमारा एक पेज है IS 1498 का, पर यहाँ पर कुछ चीजें विजिबल नहीं है, तो इसलिए हम कुछ डिफरेंट अलग चार्ट से हम इसको स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी, इस चार्ट से हम इसको देखेंगे। तो इसमें क्या रिप्रेजेंट किया हमारे पास, सबसे पहले ये जो चार्ट है ये 1948 पुराना वाला चार्ट है बेसिकली, और ये वाला चार्ट जो है हमारा ये 1498/1970 का चार्ट है, तो ये हमारा जो लेटेस्ट है जो हम यूज करते हैं वो वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो बोल्डर होते हैं बड़े बड़े साइज के, 300 mm से बड़े साइज के जो पत्थर होंगे उनको हम बोलेंगे बोल्डर्स। बोल्डर्स कहाँ काम आते हैं हमारे, हमारे ये रोड बनाने, रोड की जो बेस होती है वहां पर हम बोल्डर्स डालते हैं। अगर तुमने ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो वहां पर जब तुम बेस बनाते हो हमारी रोड का या हाईवे का, तो तुम बड़े बड़े पत्थर डालते हो उसमें, जिसे हम बोलते हैं बोल्डर्स। बोल्डर्स का साइज कितना होता है, 300 mm से ज्यादा। अब 300 mm से ज्यादा होते हैं बोल्डर्स, तो 300 mm से कम यानी कि 75 mm से लेकर 300 mm तक के जो पत्थर होते हैं उनको हम बोलते हैं कोवल। ये छोटे साइज के होते हैं, नॉर्मली 3 इंच से लेकर हमारे 1 फीट तक चले जाते हैं। स्मॉल साइज इतना भी नहीं कि तुम इसको मटेरियली नॉर्मली यूज कर सको, ये भी तुम्हारे किसी चीज का बेस या फिर जहाँ पर हैवी पत्थर चाहिए हो तो वहीं पर यूज होंगे, ये नॉर्मली हम यूज नहीं करते। तो 75 mm से ऊपर जितने भी हैं ये सारे के सारे हैं बड़े पत्थर, यानी कि बड़े पत्थर बोल लो कि, या कोवल या बोल्डर बोल सकते हैं उनको। अब 75 mm से नीचे वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं हम ग्रेवल्स। ग्रेवल्स या फिर तुम बोल रहे हो रोड़ी बोलते हैं। जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं कंक्रीट बनाने के लिए, दो चीजें काम आती है, एक आते हैं एग्रीगेट्स और फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट्स। जो फाइन एग्रीगेट्स होते हैं जैसे सैंड होती है हमारी, वो काफी पतली सी रेत होती है, उसका साइज काफी कम होता है, और जो कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं उनका साइज होता है ज्यादा। अब यहाँ पर जो हम चीज कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं ग्रेवल्स। अब 20 mm से लेकर 75 mm के जो ग्रेवल्स होते हैं उनको बोलते हैं कोर्स ग्रेवल्स, ठीक है। और 4.75 से लेकर 20 mm तक के साइज के जो हमारे पास पत्थर होते हैं या फिर कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं उनको बोलते हैं फाइन ग्रेवल। नॉर्मली 4.7 से लेकर 20 mm साइज वाले हम यूज करते हैं RCC वर्क में,
और ये 20 से लेकर 75 mm वाले हम यूज करते हैं फ्लोरिंग में, या फिर फ्लोर के नीचे रोड़ी डालनी होती है या ब्रिक की रोड़ी डालनी होती है, उन चीजों के काम आते हैं ये 20 से लेकर 75। इनको बोलते हैं कोर्स ग्रेवल्स, और जो 4.75 से लेकर 20 तक होते हैं उनको बोलते हैं फाइन ग्रेवल्स। अब ये जो 4.75 से कम वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम सैंड। बेसिकली सैंड कहाँ से कहाँ तक होती है, ये 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक की जाती है। जितना भी ये सोयल होगी इसके बीच में जितनी भी हमारे पास सोयल आएगी उसको हम बोलेंगे सैंड। अब सैंड को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फाइन मीडियम एंड कोर्स। ये फर्दर उसके डिवाइड किया था, बट हमें बेसिकली देखना है 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 तक सैंड है, 4.75 से लेकर 75 mm तक ग्रेवल है, 75 से अब हमारे पास कोवल या फिर बोल्डर आ जाते हैं। अब 75 माइक्रोन तक तो हमारे पास जो सोयल होगी या पत्थर होंगे वो विजिबली हम देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये थोड़ी मोटे साइज की है, ये पतले साइज की है, ये ज्यादा फाइन है, ये ज्यादा कोर्स है। तो ये चीज हम 75 माइक्रोन तक कर सकते हैं, मीन्स सैंड तक हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है। बट जब इससे कम साइज हो जाता है तब हम नहीं विजिबली देख सकते कि इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जब 75 माइक्रोन से कम होता है तो उस चीज को हम बोल देते हैं क्ले या फिर सिल्ट। नॉर्मली सिल्ट बोलते हैं या फिर क्ले। क्ले का साइज काफी कम होता है, ये 1 पॉइंट सिल्ट से भी छोटा साइज होता है, और सिल्ट का भी इससे 4.75 से या फिर 75 माइक्रोन से कम होता है। तो बेसिकली इन चीजों के बारे में हमने स्टडी करना है। अब स्टडी क्या करना है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज में हमने इनको इसके साइज के हिसाब से अलग अलग करना होता है। जैसे बोल्डर को अलग कर दिया, ग्रेवल्स को अलग कर दिया, सैंड को अलग कर दिया, डिफरेंशिएट मतलब क्लासिफाई करना है। और सैंड से नीचे अलग नहीं होंगे तो इसके लिए हमारे पास अलग मेथड है, उसे बोलते हैं अटरबर्ग्स लिमिट, AL, अटरबर्ग्स लिमिट या फिर कंसिस्टेंसी लिमिट। तो इन चीजों को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आज के लिए हमने जो पढ़ना है वो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हम इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल्स। तो ये चीज हम आज के जो हमारे चैप्टर है अभी का उसमें स्टडी करना है हमें। तो बेसिकली हमें सैंड ग्रेवल एंड कोवल बोल्डर्स को डिफरेंशिएट करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले पार्टिकल साइज एनालिसिस बोलते हैं इसको। पार्टिकल साइज एनालिसिस बेसिकली मैकेनिकल एनालिसिस को भी बोल देते हैं। तो मैकेनिकल एनालिसिस या पार्टिकल साइज एनालिसिस क्या होता है हमारे पास, इट इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सोयल इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस, या फिर कह लें कि एक तरीका है या फिर मेथड है जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं सोयल को डिफरेंशिएट या फिर डिफरेंट फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पार्टिकल साइज। सोयल के पार्टिकल साइज के हिसाब से उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसका एक ग्राफ भी बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये काफी जरूरी है, इसी का आगे यूज काफी होंगे। इससे हमें हमारी सैंड या फिर एग्रीगेट्स के बारे में पता चलता है कि वो किस टाइप के हैं हमारे पास, राइट। तो एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं हम, क्या चीज है ये। ये रहा हमारे पास पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें क्या होता है, नीचे वाली साइज हमारे पास डायमीटर दिया होता है पार्टिकल्स का, दूसरी साइड बताया होता है परसेंटेज कितनी फाइनल है। तो जैसे ही हम इस साइड को जा रहे हैं हमारा डायमीटर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर 100 mm है, यहाँ पर ग्रेवल्स टाइप के आएंगे, यहाँ पर फाइन, फिर सैंड आ जाती है, फिर सिल्ट क्ले आ जाती है। तो इसकी मदद से हम ये आगे जाके हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। बेसिकली हमारा सारा का सारा काम इसी पे डिपेंड करता है, अल्टीमेटली जो भी हमने स्टडी करना है उसको इसी चार्ट के बनाने में। अब चार्ट जो बनता है कई बार कुछ इस तरह का बन जाता है, कई बार कुछ इस तरह का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ग्राफ, डिफरेंट लाइंस क्रिएट हो जाती है, उसके डिपेंड पे हम बताएंगे हमारी सोयल किस टाइप की है। तो उसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे, ये एक झलक थी इसकी कि कैसा है ये, क्या है इसमें। तो लेट अस स्टार्ट, आगे देखते हैं हमारे पास। सो पार्टिकल साइज एनालिसिस, बेसिकली पार्टिकल साइज एनालिसिस हमने देखा कि फिजिकली जब हम किसी चीज को फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, उसको पार्टिकल साइज एनालिसिस या फिर मैकेनिकल एनालिसिस भी बोल रहे हैं। अब बेसिकली जो सीव है हमारे पास, ये जो पार्टिकल साइज एनालिसिस करने का तरीका है वो दो टाइप के तरीके हैं हमारे पास। एक है सीव एनालिसिस
और दूसरा है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस में क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो 75 माइक्रोन से बड़े होते हैं। जब 75 माइक्रोन से साइज बड़ा होता है पार्टिकल्स का, तब हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं या फिर अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड कैसे करेंगे, सीव एनालिसिस से। सीव एनालिसिस से करेंगे, और जो 75 माइक्रोन से कम होंगे उसको हम करेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस, या फिर इसको वेट एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमने स्टडी करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द सीव एनालिसिस फर्स्ट। सीव एनालिसिस में देख लेते हैं क्या हमारे पास। ये रहा हमारे पास सीव एनालिसिस, ये है हमारे पास, ये जो चीजें आप दिख रही हैं ये है सीव। छाननी भी बोलते हैं नॉर्मली लोग इसको। डिफरेंट डिफरेंट साइज की सीव होती है, जैसे इसका देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइंस है, तो इसके बीच में ये स्पेस भी है, तो इस तरह की सीव होती है। इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है, इसका छोटा है, इसका उससे भी फाइन। तो जब हम सीव एनालिसिस करते हैं तो बोल्डर्स अलग फ्रैक्शन में, ठीक है, कोबल एग्रीगेट्स, फिर ये फाइन, ये उससे भी कम साइज, फिर उससे भी कम साइज में इसको हम डिफरेंट डिफरेंट साइज में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये पर्पस होता है सीव एनालिसिस का। तो डेफिनेशन क्या कहती है, द सोयल इज सीव थ्रू सेट ऑफ सीव। सीव्स आर जनरली मेड ऑफ स्पन ब्रास एंड फॉस्फर ब्रोंस। बेसिकली जो सीव्स होती हैं ये स्पन ब्रास या फिर फॉस्फर ब्रोस ब्रोंस की बनी होती हैं। अकॉर्डिंग टू IS 1948 के, सॉरी 1498 है, 1948 नहीं, यहाँ पर 1498 आना था। तो अकॉर्डिंग टू IS 1498 1970, वही कट ही कर देता हूँ, इट इज 1498, अकॉर्डिंग टू IS 1498 1970, जो सीव्स है हमारे पास वो स्क्वेयर साइज की होती हैं, और ओपनिंग ओपनिंग इनकी स्क्वेयर साइज की होती है। मीन्स टू से ये जो बीच में आपको जाली सी दिख रही है या छाननी दिख रही है, इसका जो होते हैं ये स्क्वेयर टाइप का होता है कुछ इस तरह से। और इस जो स्क्वेयर का साइज जो है वो ही हमारा सीव का साइज डिफाइन करता है, जिसको हम MM में काउंट करते हैं या फिर माइक्रो माइक्रोन्स में काउंट करते हैं। ये किस चीज का है, इस सीव का। तो इसी सीव्स के अकॉर्डिंग, इसी साइज के अकॉर्डिंग सीव का नाम रखा जाता है। तो सीव्स की रेंज कितनी होती है, 80 mm से लेकर 75 माइक्रोन्स तक की। जो सीव का साइज होता है वो 80 mm से लेकर 75 माइक्रोन्स तक का हमें मिल जाता है नॉर्मली, जो कि हमारी लैब्स वगैरह में पड़ा हुआ है। तो वहां पर हम अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि क्या चीज है। अब नेक्स्ट करते हैं, सीव एनालिसिस के दो टाइप्स होते हैं। अब सीव एनालिसिस जो है वो भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है ग्रेवल फ्रैक्शन और दूसरा है सैंड फ्रैक्शन। ग्रेवल फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिसमें 4.75 mm से ज्यादा साइज होता है, उनके लिए सीव एनालिसिस अलग होता है, जिसे रोडी बोलते हैं या फिर एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट्स बोलते हैं, उनके लिए सीव एनालिसिस अलग होगा। सैंड फ्रैक्शन, जहाँ जिसे फाइन एग्रीगेट्स बोलेंगे, जिसका साइज 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 तक होगा, उनके लिए हम अलग सीव एनालिसिस करते हैं। इन दोनों के लिए अलग अलग सीव्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास ग्रेवल फ्रैक्शन के लिए 80 mm, फिर 40 mm, जैसे यहाँ पर देखते हैं ये वाली सीव 80 mm की होगी, फिर 40 mm की, फिर 20, फिर 10, फिर 4.75 mm की सीव होगी। वैसे ही हमारे पास जो दूसरा है सैंड फ्रैक्शन, उसके लिए हमारे पास 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, और लास्ट में 75 माइक्रोन की सीव्स होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं सीव्स की हेल्प से हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, और हमारी जो सोयल है या फिर ग्रेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने किया था, कल किया था हमने सीव एनालिसिस के बारे में देखा था, कितने टाइप के होते हैं और सीव के साइज कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली सीव एनालिसिस से हमने देखा था कि दो टाइप के सीव एनालिसिस होते हैं हमारे पास, एक ग्रेवल फ्रैक्शन के लिए होता है, एक सैंड फ्रैक्शन के लिए होता है। बेसिकली ग्रेवल सेक्शन जो होता है वो होता है कोर्स एग्रीगेट्स जिसे बोलते हैं हम, वो ट्रांसपोर्ट की लैब में आपको करने को मिलेगा। और जो सैंड फ्रैक्शन होता है वो होता है मिट्टी, मिट्टी के कारण सोयल का जो हम टेस्ट करते हैं, तो वो तुम्हें सोयल की लैब में करने को मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट सीव्स तुम्हें कल बताई थी क्या होती हैं, आज हम फर्दर करेंगे इसके बारे में।
सीव एनालिसिस को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट या फिर किस टाइप की कंडीशन है सोइल की। तो सोइल की कंडीशंस को देख के हम फिर सोइल अपना टेस्ट सिलेक्ट करते हैं। तो दो टाइप के कौन से हमारे पास, एक है हमारे पास ड्राई सीव एनालिसिस, दूसरा है वेट सीव एनालिसिस। जो तो हमारे पास ड्राई सीव एनालिसिस है उसमें क्या होता है कि मिट्टी सूखी होती है, सूखी इन द सेंस कि पूरी सूखी नहीं होती, या फिर हम बाहर से लेके आते हैं उसको ओवन में रखेंगे, ओवन में रखने के बाद उसको सारा मॉइस्चर निकाल देते हैं। फिर उसको हम कुछ इस तरह से, ये जैसे फर्स्ट वन फर्स्ट डायग्राम देख रहे हो इसको, तो इसमें हम टॉप में डाल देते हैं, ठीक है। फिर सीरियल वाइज हम पैन्स को डालते हैं, जैसे जैसे पैन अपना सीव नीचे जाती है उसी तरह से इसका साइज भी कम होता जाता है। ऊपर वाली जो सीव है उसका साइज ज़्यादा होगा, लास्ट वाली का कम होगा। लाइक ये वाली 75 माइक्रोन की होगी और ये वाली 2 mm की हो सकती है, 1 mm की हो सकती है। तो हम ऊपर जब सोयल डालते हैं ड्राई, तो उसको वाइब्रेटर के ऊपर रखते हैं, ये नीचे वाइब्रेटर। अगर तुम सोयल लैब में जाओगे तो वहाँ पर ऐसा वाइब्रेटर दिखेगा, तो इसको वाइब्रेट करने को छोड़ देते हैं, या फिर बाय हैंड भी कहीं कर सकते हैं, इसको पकड़ के ही वाइब्रेट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी सोयल है वो नीचे जाने की कोशिश करती है, जो जो अपने साइज के हिसाब से वहीं पर रिटेन कर जाती है। अब दिक्कत क्या आती है ड्राई सोयल में कि इसमें जो फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स जिनका साइज काफ़ी कम है, जैसे 75 माइक्रोन हो गया, राइट, या फिर लगा लो उससे भी ज़्यादा लगा लो थोड़ा, 70 100 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, अगर ये ज़्यादा कर दें तो ड्राई सीव एनालिसिस में उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आता। उसका कारण ये है कि फाइन जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज काफ़ी छोटा होता है। जैसे सपोज कर लो ये सोयल है तुम्हारे पास, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स फाइन, उनका साइज काफ़ी छोटा, कुछ इस तरह का पॉइंटेड होगा, वेरस कुछ पार्टिकल्स बड़े होते हैं, अब कुछ इस तरह इरेगुलर शेप होती है। तो जो तो छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में स्टिक करके ज्वाइन कर जाते हैं। अब उससे क्या हुआ, क्योंकि हमने ड्राई भी किया था और इसमें डाला, तो वो आगे पास नहीं होता और कहीं ऊपरले साइज पे ही रुक जाता है, क्योंकि वो आपस में फाइन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं और नीचे नहीं जा पाते। तो ये नुकसान आता है हमारा ड्राई सीव एनालिसिस में। अब इसका क्या दिक्कत है कि जब भी तुम्हारे पास फाइन पार्टिकल्स तुम्हें लग रहे हैं तुम्हारी सोयल में ज़्यादा है, ठीक है, तो तुम्हें कभी भी ड्राई सीव एनालिसिस को ऑप्ट नहीं करना। सपोज कर लो अगर 5% से ज़्यादा तुम्हारे क्या है इसमें फाइन पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स इन द कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सोयल में तुम्हारे, काफ़ी छोटे जो आपस में जुड़े हुए हैं या फिर काफ़ी जुड़ जाते हैं आपस में, स्टिकी नेचर है उनकी, तो तब तुम्हें ड्राई सीव एनालिसिस नहीं करना, तब हमारा काम आता है वेट सीव एनालिसिस। सिर्फ ये ही डिसएडवांटेज है हमारा ड्राई सीव एनालिसिस में। तो जब तुम्हारा 5% से ज़्यादा होगा फाइन, तो तब वेट सीव एनालिसिस करोगे। अब वेट सीव एनालिसिस में क्या होता है, कुछ इस तरह का पैटर्न होता है, जैसे तुम्हें ये राइट साइड में डायग्राम में दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारी ये जैसे देखो ऊपर एक पाइप लगी हुई है और यहाँ से आउटलेट है, इसमें एक हाइड्रोलिक प्रेशर से पानी आता है, तो जिसके कारण क्या होता है हमारा ये सीव्स में पास करता है, और सीव के साथ साथ जो फाइन पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा है तो फाइन पार्टिकल्स आपस में स्टिक नहीं रहते, हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण वो अलग हो जाते हैं और सीव में से पास कर जाते हैं। तो ये फ़ायदा है हाइड्रोलिक का, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू ये बाय हैंड भी आप डाल के पार्टिकल्स कर सकते हो, इसको बाय हैंड नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट आपको चाहिए होगा। तो बेसिकली हाइड्रोलिक में ये फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें 5% से अगर ज़्यादा आपके पास फाइनर पार्टिकल्स है तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको इसमें डाल के अच्छे से सीव एनालिसिस कर सकते हो, या फिर फ्रैक्शंस में उसको डिवाइड कर सकते हो। तो ये पर्पज़ है हमारा सीव एनालिसिस का, ठीक है। तो अब सीव एनालिसिस का एक प्रोसीजर तुम्हें बता दिया कि कैसा होता है, क्या होता है सीव एनालिसिस। अब सीव एनालिसिस करने के बाद हम करते क्या है, अब सीधा आ गया, सपोज कर लो फर्स्ट वाली हमारे पास सीव है, उसमें कुछ सपोज कर लो 1 kg मैंने इसमें सोयल डाली थी, ठीक है, 1 kg सोयल डाली थी। अब 1 kg सोयल में से कुछ सोयल क्या कही फर्स्ट फर्स्ट वाले सीव में रुक गई, कुछ सेकेंड वाली में, कुछ थर्ड में, कुछ फोर्थ में रुकी, कुछ फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में, एट्थ में, तो 1 kg डिवाइड होके कुछ फ्रैक्शंस में डिवाइड हो गया अपने साइज के हिसाब से। अब मैंने इन सबको वेट करना होता है, किस पे वेट मशीन पे अपने जाना है और इन सबको जाके वहाँ पर वेट करना है कि कितनी फ्रैक्शन का, अगर 4.75 है तो 4.75 के मेरे पास
कितनी फ्रैक्शन है या कितना वेट मेरे पास 4.75 mm का है। तो ये चीज़ मुझे सारी ऑब्जर्वेशंस लेनी होती है। जब मैं ऑब्जर्वेशंस ले लेता हूँ तब तो मैं क्या करता हूँ, तो उसकी तरफ एक देख लेते हैं, अदरवाइज आपका इतना ही इसमें प्रोसीजर होता है। तो लेट्स सी, जब तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे कि सपोज कर लो M1 लगा लो, मास वन आ गया तुम्हारा। मास वन क्या है कि ये तुम्हारा 4.75 की सीव में कितना तुम्हारे पास साइज था, तो मास वन आ गया। वैसे ही मास टू होगा, मास थ्री, मास फोर, मास फाइव, मास सिक्स एंड एक होगा टोटल मास, एक कैपिटल एम से डिनोट करेगा जिसको हम टोटल मास करेंगे, बाकी 1, 2, 3, 4 उसकी सीव के हिसाब से हम नाम दे देंगे उनको। तो हमें क्या करना है, इसकी परसेंटेज काउंट करनी है, हर एक सीव में कितना मेरे पास है। फर्स्ट सीव में मेरे पास कितनी फ्रैक्शन थी, सेकंड सीव में मेरे पास कितनी फ्रैक्शन थी, थर्ड सीव में कितनी फ्रैक्शन थी। तो कुछ इस तरह की मैं सीव्स में देखूंगा कितनी फ्रैक्शन आई, तो जिनको मैं डिनोट करता हूँ परसेंटेज, P1 से डिनोट करूंगा percentage 1, percentage 2, percentage 3, percentage 4। इसी तरह से हम सारी परसेंटेजेस काउंट कर सकते हैं। परसेंटेज काउंट करके जितनी भी सीव है उसके हिसाब से परसेंटेजेस आ जाएगी। तो ये आ जाएगी मेरे पास परसेंटेज ऑफ मटेरियल रिटेन्ड, कितना मटेरियल रिटेन करके। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक कमुलेटिव परसेंटेज। कमुलेटिव परसेंटेज क्या होती है, कमुलेटिव परसेंटेज में हम क्या करते हैं कि जैसे C1 है तो इसमें कल कमुलेटिव परसेंटेज P1 होगी, C2 में कमुलेटिव परसेंटेज क्या होगी। कमुलेटिव का मीनिंग है सम अप करना, जैसे कि पता ही होगा सबको कि सम अप कैसे किया जाता है। तो C2 में क्या होगा, हमारे पास P1 + P2 को हमने ऐड कर दिया, फिर C3 आएगा उसमें भी P1 P2 भी ऐड होगा, प्लस P3 परसेंटेज भी ऐड कर दी, फिर C4 होगा, P1 P2 P3 P4 सब ऐड होंगे। ऐसे करते करते लास्ट में C7 होगा जिसका आंसर आई थिंक 100% होगा, क्योंकि सभी परसेंटेज को आपने जब ऐड अप कर दिया तो आपका आंसर कितना आएगा 100%। अब ये वैल्यू 100 आनी चाहिए, अगर नहीं आती इट मीन्स आपकी परसेंटेजेस में कुछ एरर रह गया, थोड़ा सा माइनर एरर हम इसमें अलाउ कर सकते हैं। तो ये आ जाती है मेरे पास कमुलेटिव परसेंटेज। कमुलेटिव परसेंटेज आने के बाद मेरे पास आ जाती है परसेंटेज फाइनल। परसेंटेज फाइनल निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है। परसेंटेज फाइनल का क्या मीनिंग है, सपोज कर लो हम क्या निकाल रहे हैं कि फर्स्ट सीव है, सेकंड सीव में कितना मेरे पास मटेरियल रिटेन कर गया, उसकी परसेंटेज निकाल ली, फिर कमुलेटिव परसेंटेज कर ली, सबके सब ऊपर जितने रिटेन करे उनको सम करके मैंने परसेंटेज निकाल ली। पर परसेंटेज फाइनल का मीनिंग होता है कि रिटेन के छोड़ के नीचे कितना पास कर गया है। अगर यहाँ पर 1 kg में से 0.7 kg यहाँ पर रिटेन कर गया है तो कितना यहाँ पर पास कर गया, 0.3 kg पास कर गया, तो वो परसेंटेज को बोलते हैं परसेंटेज फाइनल, मीन्स कि इससे फाइन कितना था और कितना वो नीचे चला गया। तो इसको निकालने के लिए सिंपल है, N1 से डिनोट करते हैं, 100 से C1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज फाइनल आ जाएगा हर एक सीव का। N2 को में निकालना हो तो 100 में से C2 माइनस कर दो, N3 में से 100 माइनस C3, N4 में से 100 C4, N5 होगा तो उसमें 100 माइनस C5, N6 में से 100 माइनस C6 और N7 में से 100 माइनस P7। तो इस तरह हम परसेंटेज फाइनल निकाल सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल था, इसमें ये वैल्यूज परसेंटेज फाइनल की हम फाइंड करते हैं। परसेंटेज फाइनल कहाँ पर काम आती है, ये हमें पीछे हमने एक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में पढ़ा था, तो उसको बनाने में काम आती है, तो उसके बारे में आगे जाके स्टडी करेंगे हम। तो इसको, इस चीज़ को याद रखना, परसेंटेज फाइनल को हमने यहाँ पर की है, ये आगे जाके काम आएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। हाँ, तो बेसिकली अभी हम क्या कर रहे थे, पार्टिकल साइज एनालिसिस किया था, सीव एनालिसिस जो कि 75 माइक्रोन से ऊपर वाले पार्टिकल से उनके लिए हमने देखा क्या करना है कैसे करना है। दो, एक ही मेथड है सीव का, सीव में फर्दर दो मेथड थे, एक ग्रेवल और सिंपल फाइन के लिए, और दूसरा मेथड था हमारा अपने ड्राई और वेट के लिए। ये दो पार्ट्स में इसको बेसिकली डिवाइड था सीव को किया हुआ। अब हम करेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जो पार्टिकल्स का साइज 75 माइक्रोन से कम है तो उनको कैसे करेंगे। तो अब हमारे पास सेडिमेंटेशन एनालिसिस करना है, तो लेट अस स्टार्ट सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में क्या होता है, जैसे कि नाम ही बता रहा है इसका, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन होता है जैसे कि कोई टैंक है या फिर कोई भी जगह, उसमें पानी है,
राइट, तो पानी में कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं या फिर कोई भी चीज होती है, तो वो कुछ टाइम के बाद क्या कर जाती है, नीचे सेटल कर जाती है और ऊपर क्या हो जाता है, हमारा पानी हो जाता है क्लियर, पानी में कोई चीज नहीं रहती, तो उस चीज को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, बैठ जाना, तो बेसिकली सिंपल भाषा में। तो सेडिमेंटेशन की हेल्प से हम साइज पार्टिकल डिटरमाइन करते हैं कि कैसे हमारा साइज पार्टिकल होगा। अब ये चीज कैसे हो सकती है कि सबसे पहले तो हमें स्टॉक्स लॉ के बारे में पढ़ना है, फिर हम थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन देखेंगे, सेडिमेंटेशन की थ्योरी क्या होती है, ठीक है, फिर पिपेट मेथड है, हाइड्रोमीटर मेथड है जो आपके प्रैक्टिकल पर्पज है, इसको भी आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। सबसे पहले स्टॉक्स लॉ देख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट है इसका सेडिमेंटेशन का और कैसे होगा। तो स्टॉक्स लॉ जैसे कि हमारे पास आ जाता है, स्टॉक्स लॉ में क्या होता है, हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हमारे पास जो कि फाइनर देन 75 माइक्रोन्स होते हैं, जिनको हम सीव नहीं कर सकते। बेसिकली इनको सीव क्यों नहीं कर सकते, एक तो इनकी नेचर, स्टिकी नेचर के कारण, जैसे क्ले होता है हमारे पास, अगर क्ले से तुम्हें आइडिया लगेगा, क्ले को हम किसी भी सीव से निकाल नहीं सकते क्योंकि काफ़ी स्टिकी नेचर होती है। और दूसरी चीज़ है कि इतने कम साइज़ की हम सीव नहीं बना सकते, 75 माइक्रोन से कम की सीव बनाएंगे तो वो विजिबल ही नहीं होती, तो मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने सेडिमेंटेशन एनालिसिस का यूज़ करना है। ये एनालिसिस जो है वो स्टॉक्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, और स्टॉक्स लॉ में जैसे कि हमें पता है एक टर्मिनल वेलोसिटी होती है, तो टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर सारा का सारा ये कंसेप्ट बेस्ड है। अब टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है स्टॉक्स लॉ में, टर्मिनल वैसे स्टॉक्स लॉ क्या कहता है कि जब कोई स्मॉल स्फीयर, सपोज कर लो तुम्हारे पास एक जग है या फिर इनफाइनाइट पानी है, पानी ही पानी है तुम्हारे पास, ठीक है, उसमें एक तुमने पार्टिकल या फिर एक स्मॉल स्फीयर तुमने बीच में डाला, तो वो क्या करेगा, वो इस पानी में जाएगा, जाने के कारण क्या होगा, स्टार्टिंग में तो उसको ग्रेविटी पुल करेगी नीचे, फिर ग्रेविटी पुल करेगी नीचे और जो पानी होगा वो इसको पुल करेगा ऊपर, तो एक टाइम आता है कि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाके जाता रहता है क्योंकि इनफाइनाइट वाटर है तो इसका एंड है नहीं, तो एक टाइम आता है जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाता है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है ग्रेविटी के कारण, फिर ड्रैग फोर्स के कारण वो काउंटर करती है उसको, तो एक कंडीशन आ जाती है जिसमें वेलोसिटी मेंटेन हो जाती है या फिर कांस्टेंट हो जाती है, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसी की डेरिवेशन वगैरह आपने FM वगैरह में की हुई है, तो डेरिवेशन हमारे किसी काम की है नहीं इसमें, बेसिकली हमें एक फॉर्मूला देखना है जो कि हमें बताता है ये रहा, जैसे कि ये हमें बता रहा है कि डिस्टेंस इंटू टाइम दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 902 इंटू डी स्क्वेयर। यहाँ पर डी है ये पार्टिकल है, पार्टिकल साइज है हमारे, जैसे सोयल के पार्टिकल्स हैं उसका साइज है, तो इससे हमें जैसे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 902 इंटू डी स्क्वेयर, इससे हमें क्या पता चलेगा डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, जैसे एक बकेट लेंगे, उसमें हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स डेप्थ, डेप्थ को हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारी 100 mm है जैसे, ठीक है, 100 mm की डेप्थ मैं अज्यूम कर लूंगा मेरे टब में जो भी है पानी के, और टाइम मेरे पास नहीं है, टाइम मुझे निकालना है कौन सा पार्टिकल। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर लूंगा पार्टिकल्स का, पहले मैं 35 माइक्रोन लूंगा, फिर मैं 2 माइक्रोन का डायमीटर लूंगा, तो मैं ऐसे इसके डायमीटर चेंज करता जाऊंगा, करते क्या होगा मेरे पास एक टाइम आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर डायमीटर का पार्टिकल कितने टाइम में सेटल होता है, तो इस चीज़ की हेल्प से मुझे टाइम पता चल जाता है कि पार्टिकल्स कितने टाइम में सेटल होते हैं कितने साइज के, तो इस हिसाब से मैं एक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, बेसिक कंसेप्ट जो है वो इसका यही है। तो आगे देखते हैं, हाँ ये रहा डायग्राम, तो इसी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एक डायग्राम, एक टेबल बनाया है जिसमें हमने डेप्थ क्या ली है, 100 mm की हाइट ली है, तो डायमीटर और 75 माइक्रोन देखेंगे तो उसको 19 सेकेंड लगते हैं ड्रॉप करने में, वैसे ही अगर हम 2 माइक्रोन देखेंगे तो हमें कितने टाइम लगेगा, 4 मिनट लगेंगे, जैसे जैसे साइज हमारा स्मॉल होता जाता है वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाता है, तो इस हिसाब से हमने विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ये टेबल बनाया, और इस टेबल की हेल्प से हम थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन या फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैसे होगा वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इतने टाइम में इतने साइज के पार्टिकल ही सेटल हो सकते हैं।
ठीक है, तो इस हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन निकाल सकते कि इतने पार्टिकल्स थे इसमें, इतनी परसेंटेज थी उसकी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। आगे देखते हैं थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन। अब थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन भी वही चीज़ है। थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन क्या बता रही है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, इतनी लेवल ए, लेवल बी, सी, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स उन्होंने बता दिए। और फिर क्या किया, एक टब लिया इन्होंने। टब में क्या किया, टब में डाल दिए पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स का साइज होता है डिफरेंट डिफरेंट। अब जब पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है तो सेटल करने की कैपेबिलिटी भी डिफरेंट होगी। तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लेवल से डिसाइड किए हुए, जैसे ये एक लेवल बी है, ये एक लेवल सी है, फिर आता है लेवल डी, और लास्ट में हमारा बेस का लेवल। जब कहते हैं कि यहाँ पर हम सोयल डालते हैं, कुछ पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, कुछ पार्टिकल साइज स्मॉल होते हैं। जैसे ही हम इस चीज़ को डालेंगे तो जो तो बड़े वाला पार्टिकल साइज है ये फटाफट से नीचे चला जाएगा, ठीक है। जो स्मॉल वाला है वो मे बी लेवल यहाँ पर रह जाए, और जो उससे भी स्मॉल है वो मे बी यहाँ पर हो, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद देखेंगे तो मे बी हमारे पास ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल इस पोजीशन पे आए, तब तक ये वाला पार्टिकल डाउन चला जाए और ये भी पार्टिकल डाउन, मतलब विद द हेल्प ऑफ टाइम, कि हमें पता कि 19 सेकेंड्स में ये वाला पार्टिकल तो नीचे आने ही वाला है, तो हम देख लेंगे कि इस लेवल पे कितने पार्टिकल्स या फिर कितनी फ्रैक्शन आई है हमारी। तो इस हिसाब से हम बेसिक इसकी थ्योरी सेडिमेंटेशन की यही कहती है। तो इस हिसाब से हम डिफरेंट लेवल्स बनाते हैं और लेवल्स पे देखते हैं कि कितने पार्टिकल्स की फ्रैक्शन है, तो उस हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये है थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन। थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन को लेके हमारे पास दो प्रैक्टिकल्स हैं, एक है पिपेट मेथड और दूसरा है हाइड्रोमीटर। तो ये पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड जो है ये हमारे प्रैक्टिकल सिलेबस में है, हम वहीं पर करेंगे इस चीज़ को। हाइड्रोमीटर और पिपेट जो है हमारी, ये दोनों ही चीज़ें मतलब ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि सेडिमेंटेशन जो होती है हमें इतने कम पार्टिकल्स की करने ही नहीं होती फील्ड में। फील्ड में बेसिकली हम सी एनालिसिस ही कर देते हैं और इस पे ज़्यादा फोकस नहीं देते, क्योंकि इसमें एरर्स बहुत हैं। अब एरर्स क्यों हैं इसमें, उसके बारे में जान लेते हैं। इसको क्यों ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसकी लिमिटेशंस बहुत ही ज़्यादा है, लिमिटेशंस ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब पहली लिमिटेशन क्या है कि इट गिव्स पार्टिकल साइज ऑफ इक्विवेलेंट डायमीटर। इसके कहने का मतलब कि जब हमने स्टॉक्स लॉ पढ़ा था तब बताया था कि जो पार्टिकल हम फेंकते हैं नीचे वो बिल्कुल स्फेयर में होता है, सर्कल में होगा या फिर स्फेरिकल पार्क कह लो, पर यहाँ पर हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट डायमीटर कर रहे हैं। इक्विवेलेंट डायमीटर मीन्स कि एक ही डायमेंशन उसकी फॉलो कर रहे हैं। वो एलोंगेटेड भी हो सकता है, मे बी 75 mm का हो, ठीक है उसका ये, पर इसकी जो ये वाली विड्थ है ये ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसका जो मतलब शेप है, बेसिकली शेप फैक्टर आ जाता है यहाँ पर, कि बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता, इरेगुलर शेप्स हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जबकि हमने स्टॉक्स लॉ में उसको सर्कुलर रिप्रेजेंट किया। सेकेंड क्या है हमारे पास, स्टॉक लॉ इज अप्लाइड ओनली वेन लिक्विड इज इन्फिनेट, मतलब लिक्विड जब तुम्हारे पास इन्फिनेट हो, साइड पे वॉल्स ना हो या कुछ ना हो, इन्फिनेट पानी हो, तब तुम जब तुम पार्टिकल्स फेंकते हो, तो ये कंडीशन उन्होंने ली है जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, हमने की एक बाउंड्री वॉल्ड कंडीशन ली थी। फिर नेक्स्ट कंडीशन आ जाती कि स्टॉक लॉ जो है वो वन स्फेयर के लिए सेटल करने के लिए बनाया गया था, एक ही स्फेयर उसमें डालते थे जो सेटल करता था और उसको ऑब्जर्व किया जाता था। जबकि हम ये पार्टिकल्स या फिर सोयल को जब हम डिप करते हैं तो इसमें काफ़ी इंटरफेरेंस होता है आपस में पार्टिकल्स में, जिसके कारण वो इफेक्ट हो जाती है उनकी वेलोसिटी, ठीक है। तो काफ़ी कारण आ जाते हैं, इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है। और सबसे बड़ी बात कि 0.2 mm साइज से बड़ा, अगर आपके पास 0.2 mm से ज़्यादा साइज है तो ये मेथड नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि टर्बुलेंस आ जाती है, जब यहाँ पर टर्बुलेंस आ जाती है वहाँ पर वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पर भी फेल हो जाता है। फिर जब हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो 0.2 माइक्रोन से कम हो जाते हैं, तो तब हमारे पास ब्राउनियन मोमेंट है वो अप्लाई हो जाती है, तो वो भी हमारी जो वेलोसिटी है टर्मिनल उसको इफेक्ट कर देती है और हमारे पार्टिकल साइज को डिस्टर्ब कर जाती है। अल्टीमेटली जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है उसमें हमने ये सीखा है कि हम करने को तो ये चीज़ कर दें, पर काफ़ी डिसएडवांटेज है। ज़रूरी नहीं कि ये जो पार्टिकल्स बताएगा कि नीचे ड्रॉप हुए हैं वो मे बी डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द टर्मिनल वेलोसिटी रेदर देन द साइज ऑफ द पार्टिकल। तो ये एक काफ़ी डिसएडवांटेशन है, एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस।